का उनका मजबूत संगठन है, उनके पर हमला होता है और संबोधन रहते हैं। भाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो मैं भी तो कह रहा हूँ कि देखिए जब गलत हो रहा हो तो पूरा विपक्ष को एकजुट मजबूती से आवाज को बुलंद करना चाहिए, जो काफी ढांचे हो। अगर देखिए देश में बोलियों की लड़ाई शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, अब से चीजें अंदाज लगाइए ना क्या होगा। चंद्रशेखर आजाद के पास इतनी बड़ी टीम है, आए दिन घटनाएं हो रही है देश में, कौन करे वहाँ पे जहाँ पे मिले अभी अभी वहाँ पे जाते। आपने मणिपुर देखा? अभी मणिपुर में अभी चल ही रहे। देखिए मतलब जब वो वीडियो मैंने देखा ना, महिला के सेकंड का 100वें हिस्से तक मैं उस वीडियो को देख नहीं पाया। मतलब इतनी अंदर से दुख दर्द, ये हो क्यों रहा है? किसकी सरकार है वहाँ? किसकी सरकार है? हिम्मत है किसी बहन के साथ गलत हो जाए? है हिम्मत इतनी? लेकिन विरोध तो एक भी नहीं कर रहा सर, सभी लोग उसको मतलब हाथों में खाले को आतुर्त है, जो भीड़ दिख रही है। ये तो बड़ा कोई देखिए कानून व्यवस्था ये तो होती है, डरने किसी की आंखों में डरने। अगर अगर स्थिति लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चलती रहे सही, तानाशाही पितृसत्तात्मक प्रणाली सामंतवाद की प्रणाली प्रभावी ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जाहिर सी बात है पितृसत्तात्मक प्रणाली सामंतवादी व्यवस्था मजबूत हो रही है, पूंजीपति व्यवस्था मजबूत हो रही है, तभी तो ये हो रहा है बेटी के साथ।